सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके पे। दोस्तों, नेवी का AASSR और MR का रिजल्ट जो है रिलीज हो चुका है। रिलीज ये कल हो चुका था, कल रात में हो चुका था, और अब हम आपको बता रहे हैं रिजल्ट कैसे आपको देखना है। और वेबसाइट पे लॉगिन आप फ़ोन से भी कर सकते हैं और लैपटॉप या डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। वैसे कुछ लोगों ने आपने देख लिया होगा, लेकिन कुछ को बता देता हूँ रिजल्ट कैसे आपको शो करना है और कैसे आपको रिजल्ट दिखेगा वेबसाइट पे। सबसे पहले दोस्तों लॉगिन आपको कर लेना है। इस तरह से लॉगिन, यहाँ सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने बनाई होगी। ईमेल और पासवर्ड आपने डालना है, कैप्चा कोड आपने डालना है, और उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। अब जब दोस्तों आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने इस तरह का एक पेज बन के आ जाता है सामने इंटरफेस। यहाँ आप सबमिट और पेंडिंग, आपकी जो एप्लीकेशन होती है उन दोनों की डिटेल दिखाता है। सबमिट पे करेंगे तो सबमिट और पेंडिंग पे पेंडिंग आपकी दिखाएगा। जो जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई की है उनकी पूरी डिटेल दिखाएगा यहाँ। जैसे कि आप देख रहे हैं SSR और MR की दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो दोनों की डिटेल यहाँ दिखा रहा है। और उसके बाद दोस्तों आपको एक्शन इधर ये दिख रहा है साइड में, एक्शन के कॉलम में आपको आना है और यहाँ व्यू पे आपको क्लिक कर देना है। जिसका भी आप रिजल्ट देखना चाहते हैं SSR या MR दोनों का, आपको बस यहाँ व्यू पे क्लिक कर देना है। और व्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस तरह से देख सकते हैं, ये फ़ोन से आप देख रहे हैं, फ़ोन की रिकॉर्डिंग ये आप देख रहे हैं, फ़ोन से रिजल्ट जो है खुल रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। अब हम दोस्तों SSR और सेलर का दोनों का रिजल्ट आपको दिखाएंगे। तो पहले आपको दिखा देते हैं MR का रिजल्ट। MR का रिजल्ट पे हमने क्लिक कर दिया है। वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, आपको ये ध्यान रखना है, बार बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। और अब आपके सामने ये रिजल्ट आप देख सकते हैं खुल गया है, और यहाँ जो रिजल्ट है वो आपको शो करेगा। आप एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं और वेटिंग एग्जामिनेशन स्टेटस देख सकते हैं आप, फेल हो गया, बंदा फेल है जिसका ये है। ये MR का रिजल्ट दोस्तों ये है केवल अभी, हमने SSR का रिजल्ट अभी देखना बाकी है। और अगर आप फेल हैं तो आपको नंबर वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा, पूरा बाकी ब्लैंक दिखाएगा। और अब वापस आपको यहीं से आपको बैक वापस आ जाना है। बैक वापस आने के बाद जो है वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, बार बार आपको रिफ्रेश, बार बार आपको खुलनी पड़ेगी, तब जाके आपका पेज खुलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वेबसाइट बैक होने में बहुत टाइम ये लगाती है। और अब वापस हम आ गए हैं, और अब हमें वापस नीचे आना है, और हमें अब SSR का जो रिजल्ट है AASSR का, उस पर हमें व्यू पे क्लिक कर देना है। ये हमने कर लिया है आप देख रहे हैं जैसे, और ये वेबसाइट काफ़ी लोड, काफ़ी टाइम ये ले रहा है, आप देख सकते हैं बहुत टाइम ये लेगा आपका रिजल्ट खोलने में। यहाँ आपको पूरा रिजल्ट दिखाएगा नंबर सहित, अगर बंदा पास है तो। अब दोस्तों जैसे कि SSR का आप देख रहे हैं, नीचे आप आते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे ये आपको रिजल्ट का दिखाएगा। ये एप्लीकेशन जो शॉर्ट लिस्ट या दिखा रहा है, शॉर्ट लिस्ट फॉर राइटिंग एग्जाम। उसके बाद आप देख सकते हैं राइटिंग एग्जामिनेशन स्टेटस पास दिखा रहा है, और यू आर नॉट शॉर्ट लिस्ट फॉर PFT ड्यू टू लो स्कोर इन राइटिंग एग्जाम। दोस्तों पास है लेकिन जो PET में के लिए पास नहीं है, PET के लिए क्वालिफाई नहीं है बंदा, यानी कि बस ये फेल हो गया। राइटिंग एग्जाम में पास है, पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन जो है PET के लिए पास नहीं है, PET के लिए नहीं जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप नंबर भी देख सकते हैं, कितने कितने नंबर मिले हैं और कितने नंबर चाहिए हैं, वो भी आपको यहाँ ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं नेवी SSR का। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और रिजल्ट से रिलेटेड क्वेरी अगर आपको करनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।